बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया, विधानसभा पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेता बाहर होंगे। तो भितरघात पर एक्शन करना बहुत ही जरूरी पार्टी के लिए। अनुशासन समिति की बैठक हुई और कांग्रेस ने फैसला लिया कि 79 भितरघातियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 79 नेताओं के निष्कासन पर पार्टी मुहर लगा दी है। 10 फरवरी के बाद फिर अनुशासन समिति की बैठक होगी और इस दौरान गंभीर शिकायतों की जांच होगी। जांच के बाद कुछ और नेताओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो भितरघात पर वार की तैयारी कांग्रेस कर रही है और साथ ही जिन्होंने अनुशासन में ना रहकर काम किया उनके खिलाफ ही एक्शन लिया गया है। तो अब आइए आपको समझाते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस एक्शन ले रही है, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया पार्टी। तो अनुशासन समिति की बैठक हुई और इसमें फैसला लिया गया कि 79 भितरघातियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। नेताओं के निष्कासन पर पार्टी ने मुहर लगा दी। 10 फरवरी के बाद फिर बैठक होगी और कई नेताओं को फिर बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किन बड़े नेताओं पर यहां पर कार्रवाई करेगी और क्या यह कार्रवाई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचा पाएगी, देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, बात रतलाम के विश्व प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर की। यहां एक बड़ी घटना हुई। देखिए, मंदिर के दान पात्र में आग लग गई, दान पेटी में रखे नोट जल गए। बताया जा रहा है कि अगरबत्ती के दान पात्र में गिरने की वजह से आग लगी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि अपने धन वैभव के लिए महालक्ष्मी मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। भक्त यहां दूर दूर से आते हैं मां के दर्शनों के लिए। बिल्कुल, दिवाली पर यहां कुबेर का खजाना सजता है। भक्त अपनी धन संपत्ति यहां रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन वैभव में वृद्धि होती है। तो महालक्ष्मी मंदिर क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले ये देखिए तस्वीरें। तो आप ये देखिए क्या स्थिति बनी। जानकारी है कि दान पात्र में अगरबत्ती गिर गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कई नोट जलकर खाक हो गए, जो कि अब किसी काम के नहीं रहे। अब बमुश्किल जो सुरक्षित नोट थे उनको एक तरफ किया गया और बाकी नोटों को एक तरफ किया गया। तस्वीरें देखिए। रतलाम का ये वही माँ महालक्ष्मी का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ हर साल कुबेर का खजाना सजता है और ये वही दान पात्र है महालक्ष्मी का, जिसमें आज दोपहर में आग लग गई थी और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो कुछ नोट जलने की भी खबर है। तो उसके बाद प्रशासन के अधिकारी पहुँचे, कोटा वार्ड्स का पूरा मंदिर है और ये इन नोटों को जो है इसके बाद जब आग के बाद जब पानी डाला गया तो नोट पूरी तरह से भीग गए हैं, जिसे ड्रायर और प्रेस के माध्यम से सजाया जा रहा है। और ये देखिए जो नोट है वो भी जले हैं, 500 से लेकर 200 और 100, 10 और ये तमाम नोट है जिनमें आग लगने की वजह से खासा नुकसान हुआ है। सर, कितना करीब नुकसान लग रहा है आपको? लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये के नोट जल गए हैं। अभी काउंटिंग करना बाकी है। अभी हम लोग जीर्ण शीर्ण नोटों को अलग अलग कर रहे हैं और फिर नंबर वाइज उनको काउंट करेंगे तो एग्जैक्ट पता चलेगा हमें। वजह कुछ पता लगी कैसे आग लगी थी? अज्ञात कारणों से आग लगी है, जहाँ तक संभावना बताई जा रही है अगरबत्ती की वजह से, शायद अगरबत्ती का कुछ टुकड़ा अंदर गिर जाने की वजह से गिरी है। तो अगरबत्ती का टुकड़ा अंदर गिर जाने से ये हालांकि कारण अज्ञात है अभी भी। और ये देखिए काउंटिंग चल रही है, उसके बाद रेवेन्यू अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ पे और जो नोटों की जो काउंटिंग है वो लगातार यहाँ पे की जा रही है और जो माणक चौक थाना पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सुधीर जैन, न्यूज 18, रतलाम। और अब जान लेते हैं कि महालक्ष्मी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। जहां रतलाम में स्थित है महालक्ष्मी मंदिर, धन दौलत की साज सज्जा के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि मंदिर में देवी लक्ष्मी साक्षात विराजमान है। मंदिर में देश भर से भक्त यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना के लिए और इसीलिए ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी हर मनोकामना माँ महालक्ष्मी पूरी करती हैं। धन दौलत की साज सज्जा के कारण ये प्रसिद्ध है महालक्ष्मी का ये मंदिर, जो कि रतलाम में है। और इसी के साथ ही 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।